नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे आप जानते हैं वैसे हर सैटरडे को एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ हमारी चलती है और एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हमारे साथ है किरण भाई ठक्कर गुरुजी, जिनको बापा के नाम से जानते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अनुभव उनको है और बहुत ही अच्छी तरह से वो मार्गदर्शन देते हैं। और हम यहाँ पे लाइव कुंडली मतलब कि जन्माक्षर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे हमको भेजे हैं उनके डिटेल्स, आज उनमें से थोड़े से हम क्वेश्चंस लिए हमने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं लेकिन एक एपिसोड में हम 5 से 7 या 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। सो जिनको भी ये लाइव जन्माक्षर कुंडली प्रेडिक्शन मतलब आपके बारे में आपको जानना है, आपके भविष्य के बारे में आपको जानना है, आपकी आगे आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ आपको उसमें मतलब कि कहा जाता है कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो उनके लिए भी ये हम यहाँ से बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन उनको करेंगे। सो किरण जी आपका स्वागत करती हूँ। गुरु जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में एस्ट्रोलॉजी सीरीज में। और आज का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें जो हमने बताया उसी तरह से क्वेश्चंस लेंगे और उनकी जिन्होंने प्रश्न भी काफ़ी लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं तो उनके भी हम आंसर देंगे। लेकिन आपको और भी एक काम करना है जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। हम हर एपिसोड में लास्ट 5 से 7 मिनट्स में हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, तो आज गुरुजी हम सिखाने वाले हैं ना जी। तो जिनको भी सीखना है वो नोट पे लेके बैठ जाएंगे कि जैसे ही क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी आपको थोड़ी सी सिखाएंगे। सो ये था मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। और हमारे चैनल को आप देखते रहिए ऐसे ही प्रोग्राम के साथ में। फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वेबसाइट विजिट करके रजिस्टर कर दीजिएगा ताकि आप हर एपिसोड इसमें देख सकें। तो गुरुजी सबसे पहले हम अभी प्रश्न शुरू करते हैं। श्रीनिवासन जी का बर्थ डेट है 12 अप्रैल 1980 और वो सूरत से है। उनका बर्थ प्लेस भी सूरत है। 12 अप्रैल 1980 उनका बर्थ प्लेस सूरत है और उनका बर्थ टाइम जो है 1:32 मॉर्निंग का। और उनका जो क्वेश्चंस है वो है, उन्होंने पूछा है कि मुझे अच्छी जॉब कब मिल सकती है, ऐसा उन्होंने पूछा है और कब तक मिल सकती है जी। जी उनका धनु लग्न आ रहा है। धनु लग्न का मालिक भाग्य स्थान में बहुत बढ़िया है लेकिन राहु के साथ में है। उनका एक शापित दोष हो रहा है, शनि और राहु का शापित दोष हो रहा है। उनकी कुंडली में शनि राहु का शापित दोष हो रहा है, उसके कारण उनकी प्रगति नहीं हो रही है जी। उनको खास ये शापित दोष की पूजा विधि जो हमारे भरूच के नजदीक चांदोद गांव है वहां पे करवानी पड़ेगी। दूसरा गणपति उपासना, सूर्य उपासना करें जी। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ। आप ध्यान से सुनिए, गुरुजी जो कह रहे हैं आपको उसी पे ध्यान देना है। और जी गुरुजी गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ वो निरंतर करें, उससे उनको काफी अच्छा फायदा रहेगा। और गुरु और सूर्य का स्टोन धारण करें जी। ये खास बोलना है क्योंकि ये शापित दोष है, उसके लिए उसकी फिजिकल अवस्था भी थोड़ी वीक रहेगी जी। श्रीनिवास जी आपने सुन लिया होगा गुरुजी ने जो कहा है वो। कोई भी चीज में हमें विश्वास, श्रद्धा और धीरज रखनी है, चाहे वो जन्माक्षर की बात करें, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या ज्योतिष की बात करें, जो भी है किसी भी चीज़ में हमें श्रद्धा, विश्वास और धीरज रखना है, तभी हमें जो हमें फल चाहिए वो मिल सकता है। सो गुरु जी है। दूसरा जो है वो श्वेता तनवर जी है। उनका बर्थ डेट है 8 सितंबर 1904 जी, उनका बर्थ टाइम है 7:13 मॉर्निंग और उनका बर्थ प्लेस है उदयपुर राजस्थान। ये उदयपुर से है। और श्वेता तन्वर जी, अगर ये आप हमारा कार्यक्रम देख रही है तो जरूर से ध्यान से सुनिएगा, आपके बारे में अभी हमारे गुरुजी बताएंगे आपको। उनका क्वेश्चन है गुरुजी की आगे का भविष्य उनका क्या होगा, और उनको सरकारी जॉब की तैयारी उनकी चल रही है, सो उसमें उनको कितना चांस है? 100% सरकारी जॉब मिल सकती है, कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा मांग रही है और कुछ नहीं। शिव मंदिर में दूध में मिश्री डाल के रोज चढ़ावे, अभिषेक करे शिव मंदिर में जी। और गाय माता को गुड़ और रोटी खिलावे जी, इससे उनका काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा। बहुत ही बढ़िया कुंडली है, कोई टेंशन नहीं है। बस ठाकुर जी को याद करते रहे, गाय माता को गुड़ और रोटी खिलावे जी। श्वेता जी, आप गाय माता को बूंद का पन्ना ग्रहण करें, उनके लिए बूंद का पन्ना आपको ग्रहण करना है, उससे आपको काफी फायदा रहेगा। दूसरा है पूजा खिमानी जी, जो उनका बर्थ डेट है 28 मई 1996 जी। समय और उनका बर्थ प्लेस है सूरत और समय है 1:45 आफ्टरनून में 1:45 सूरत। हाँ, 1:45 सूरत। और उनका प्रश्न है जॉब उनको मिलेगा कि नहीं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रही है, तो उनको कितना चांस है? इनको गवर्नमेंट जॉब में चांसेस काफी कम है जी। इनकी भी कुंडली में अष्टम स्थान में शनि राहु का सापेक्ष दोस्त हुआ, वो उनको काफी जीवन में कष्टदायक है और टेंशन दायक दे रहा है। फिजिकल अवस्था में भी थोड़ी दिक्कत कर रहा है जी। तो इनको भी एक पूजा करवानी पड़ेगी, जो उनकी शनि केतु की जो शनि राहु की सापेक्ष दोस्त की पूजा है जी, वो उनको करवानी पड़ेगी। और गणपति और सूर्य उपासना इनको भी जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब में काफी दिक्कत दिख रही है, फिर भी गौ माता को गुड़ रोटी खिलाना जरूरी है जी। क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में चल रहा है, जन्म लग्न का मालिक है जी। उनका दूसरा भी क्वेश्चन है जी, वो बीकॉम कर रही है, उनमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, हर बार वो फेल हो रही है, तो इस बार वो क्या इसमें से बाहर निकल आएगी क्या? बेसिकली इनकी कुंडली में टेक्निकल योग ज़्यादा दिख रहा है, वो बीकॉम में गलत गई है। एमसीए का मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर का उनका योग ज़्यादा बन रहा है जी, जी, जी। ये गलत दिशा में चली गई है, ठीक है। तो उसके लिए उनको है ना जी चावल और घी हर गुरुवार को शिव मंदिर में रखना है, जिससे इनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आवे। क्योंकि अभी रुकावट आ रही है, वो रुकावट कम करने के लिए चावल और घी जी। पूजा हिमानी जी, आप सुनिए ध्यान से, आपको जो करना है, क्योंकि आपको बीकॉम में से आपको आगे बढ़ना है, बीकॉम पूरा करना है, तो उसके लिए आपको चावल और घी हर गुरुवार को आपको शिव मंदिर में जाके चढ़ाना। गौ माता को गुड़ और रोटी डेली भी आपको खिलानी। बीकॉम करने के बाद में अगर वो कंप्यूटर लाइन में जाते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा फायदा रहेगा जी। आप अगर ट्राई करती है तो कंप्यूटर लाइन में आप जाइए, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको सफलता मिल सकती है, और आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिल सकता है। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन से मोनिका प्रशांत पटवा, उनका बर्थ डेट है 14 मई 1997 और उनका बर्थ टाइम है 10:40 रात को, और बर्थ प्लेस उनका मुंबई है। और उनका प्रश्न है कि उनका नया हाउस वो लेना चाहती है, तो वो होगा कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है उनका कि जॉब मिलेगी कि नहीं। उन्होंने जी हाउस का योग तो बन रहा है जी, ठीक है, लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा उसमें जी। और जॉब भी चलेगा, बढ़िया रहेगा, जॉब में भी कोई टेंशन नहीं है जी। मोनिका जी आपने सुना होगा कि जॉब में आपको कोई टेंशन नहीं है। इनकी कुंडली में एक योग बन रहा है, ये जिनके साथ में काम करती है उसका भाग्य खुलता है, इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जी 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 जी। ये जिनके साथ में बैठती है जी उनका भाग्य अच्छा खोल देती है, इनका भाग्य कम खुलता है। मोनिका जी आपका भाग्य कम खुल रहा है, आप जिनके साथ रहते हैं जिनके साथ बैठते हैं उसको अच्छा फायदा हो जाता है, अच्छा फायदा हो जाता है। सो आपको फायदा, अगर आपको फायदा कुछ करना है, आपको फायदा लेना है तो हमारे जो गुरु जी आपको बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देके उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए जी जी। इनको गणपति और सूर्य उपासना ही करनी है, जितना ज्यादा हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि फिजिकल अवस्था भी थोड़ी वीक लग रही है जी जी जी। उनको हड्डियों में कैल्शियम कम दिख रहा है, हीमोग्लोबिन का पाचन क्रिया कम है, इसके लिए थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये सब दिख रहा है जी। तो उनके लिए क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद वो ले, उनको काफी अच्छा रिलीफ रहेगा इससे जी। मोनिका जी आपने सुन लिया होगा, गुरु जी ने जो बताया उसी पे आप ध्यान दीजिए। दर्शक मित्र, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से हम आपको बता रहे हैं उसमें अगर और आपको ज़्यादा जानना है और जानकारी आपको लेनी है आपके बारे में, तो पर्सनली आप गुरु जी का कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम गुरु जी तक आपको ज़रूर मिलवा देंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए कि ये जो यहाँ से प्रिडिक्शन हो रहा है, यहाँ से जो भी हम बता रहे हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री में सब कुछ हम बता रहे हैं और गुरु जी भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप पर्सनली भी उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, पर सबको यही डर होता है कि हम जाएंगे तो हमें खर्चा होगा, हमें ये होगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल भी आपको 1 भी रुपये का खर्चा नहीं है। तो आप जरूर आपकी समस्याओं का हल जो है वो गुरुजी से ले सकते हैं। आगे चलते हैं, जिनका क्वेश्चन है हितेश जोशी, जिनका बर्थ डेट है 12 अक्टूबर 1979 और वो भी राजस्थान से है। उनका बर्थ टाइम है 9:40 मॉर्निंग और जन्म स्थल है उनका उदयपुर, राजस्थान। और उन्होंने क्वेश्चंस 2 किए हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और 12/10/1900 जी 79 सुबह 9:40 उदयपुर, राजस्थान जी। उनका क्वेश्चन है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब हाउ विल बी माय फ्यूचर एंड हाई विल बी माई हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब मेरी हेल्थ और वेल्थ भी कैसी रहेगी। एक्चुअली सबसे पहले तो इनके अंदर आलस बहुत दिख रही है जी, इनकी कुंडली में आलस बहुत दिख रही है। तो वो पहले आलस निकाले और थोड़े एक्टिव हो जावे जी। बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही बढ़िया इंसान है, लेकिन जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, जिससे उनको धोखा बहुत मिल रहा है, ये दिख रहा है। फाइनेंशियली कोई भी व्यवहार किसी के साथ में नहीं करें जी। और बहुत ध्यान से सुनिए जी हितेश जी की फाइनेंशियली व्यवहार आप किसी के भी साथ न करें, क्योंकि उनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है जी। जिनको ये पैसा देता है वापस देने का नाम नहीं देते हैं जी, और जिसके पास वापस मांगते हैं वो झगड़ा लगाते हैं जी। ये इनकी कुंडली में दिख रहा है। और ये आलसी थोड़े है, वो आलस निकाले जी, इससे उनको काफी राहत मिलेगी। बट फ्यूचर में वो क्या करे, कैसे मतलब आगे बढ़े फ्यूचर में? उनका बेसिकली खाने पीने के धंधे में वो बहुत बढ़िया चल सकते हैं जी। अगर वो खाने पीने का कोई भी बिजनेस करे जी। हितेश जी आप खाने पीने का कोई भी चीज का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और जो आपके मन में जो आलस है उनको आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। गुरुजी उसके लिए वो क्या करें, उनके जो आलस है उनको निकालने के लिए वो क्या करेंगे? दूध, पानी, काले तिल और कमल गट्टा बोलते हैं वहाँ पे उदयपुर में जी। ये 4 चीज मिश्री डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना है जी। और गणपति अथर्वशीर्ष के डेली सुबह शाम पाठ करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगने से जो मानहानि होती है, आलस के कारण जो इनकी मानहानि होती है, कभी बात सच्चे होने के बावजूद भी इनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो ये गणपति अथर्वशीर्ष से और ये शिव मंदिर पे पूजा करने से इनको मिलेगी जी। और उनकी जो हेल्थ के बारे में भी उन्होंने जो पूछा, हाँ उनके लिए भी ये चलेगा। और मूंगा पहने जी, खास मंगल का स्टोन पहने, जो उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उनकी कुंडली के हिसाब से मंगल का स्टोन पहनिए, आपको काफी फायदा हो सकता है। और आगे चलते हैं, आज काफी सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, काफी क्वेश्चंस है। और आगे मनीष कुशवाहा जी, जिनका बर्थ डेट है 14 फरवरी 1905 जी। समय उनका समय है शाम को 7 बजे का, और वो है धांगध्रा सिटी, गुजरात, डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर। उनका प्रश्न है उनकी शादी कब होगी। जी उनका योग अभी चल ही रहा है शादी का। मनीष जी आपका शादी का योग चल रहा है, आप जल्दी से ढूंढिए लड़की और जल्दी से शादी कर लीजिए जी जी इनका योग अभी चल ही रहा है, लेकिन थोड़े वो अप्लाई होने में थोड़े डर हो रहा है, तो उनको बोलिए गणपति पाठ ही करें, उससे उनको काफी अच्छा रिजल्ट। मनीष जी आप गणेश जी के पाठ कीजिएगा, उनसे आपको काफी फायदा हो सकता है। और शादी का योग अभी है, तो जरूर आपकी शादी हो जाए ऐसी हम आपको शुभेच्छा देते हैं। अभी शायद सब क्वेश्चंस आज के हमने पूरे कर लिए हैं। ये श्वेता तन्वर जी का तो आ गया ना? हाँ जी आ गया। आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक लेते हैं, बाकी के जो जिन्होंने भी भेजे हैं वो नेक्स्ट सैटरडे को हम क्वेश्चंस लेंगे और उनका आंसर आपको करेंगे। जिनको भी आपके उनके बारे में जानना है, आपको आपके भविष्य के बारे में जानना है, ज़रूर आप हमें हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहीं पे है सिर्फ आपके क्वेश्चंस भेजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप भेजते हैं शायद दिक्कत हो सकती है, और दूसरा शायद एपिसोड में हम आपको इंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सब जगह पे ध्यान नहीं होता है। सो आप जो नंबर हमारा है 9227645700 एक्सोटिक वेब मीडिया चैनल का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिए 9227645700। और आपको भेजना है आपका नाम, आपका सिटी, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस, एंड आपका जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपके बारे में आपको जानना है। 2 से 3 क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं, तो ज़रूर से ऐसे ही आपके बारे में जानते रहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस यहाँ के हमारे जो कार्यक्रम से, तो उसका फीडबैक भी हमें ज़रूर फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो गुरुजी आज का ये जो हमारा एपिसोड में जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं उन सब के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, ढेर सारा प्रार्थना आपके लिए। हमने लास्ट टाइम जो काल पुरुष है उसके ऊपर चर्चा किया था, जैसे 12 राशि। हाँ एस्ट्रोलॉजी की बात हम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी तो सिखानी ही है, वो पहले सिखा देते हैं उसके बाद बच्चों को सिखाते करते हैं जी। 12 राशि काल पुरुष को हमने कल पिछले हफ्ते देखा था जी। वो 12 राशियों का स्वभाव क्या है जी, वो जो आज देखने की कोशिश करते हैं जी। जैसे पहले मेष राशि है जी, मेष राशि का स्वरूप है घेंटा, जो मेष बोलते हैं। सामने ज्वालामुखी फटा है, उनको फटी आंख से देखता है, उनकी आंखों में ज्वालामुखी दिखता है, लाल आंख से देखता है। जैसे गार्डियन या प्रभाव बोलते हैं, एक ही दिशा में सब घेंटे दौड़ते हैं जी। तो मेष राशि वाले ऐसे ही होते हैं कि जो दिशा में एक आदमी दौड़ता है उसी दिशा में सब दौड़ना, ये इनकी फितरत होती है जी। दूसरी आते वृषभ राशि। वृषभ मतलब जानते ये सब बड़द, वृषभ नंदी जी, जी, जी। वो जबकि होता है, शक्तिशाली होता है लेकिन जड़ होता है जी। अगर आप रास्ते से निकलते बीच में वृषभ बैठा हुआ है तो वो नहीं उठेगा, आपको घूम फिर के उनसे जाना पड़ेगा। तो ये इनका स्वभाव है, जड़ स्वभाव है, शक्तिशाली है, उनसे आप कुछ उलझ भी नहीं सकते जी। तीसरे मिथुन राशि है। मिथुन राशि मौजिला स्वभाव है, मस्करा स्वभाव है जी। कर्क राशि है। कर्क राशि हर एक चीज को बारीकी से देखना, हर एक चीज को बारीकी से समझना और उस पर रिएक्ट करना, ये कर्क राशि वालों का बहुत बड़ा नेचर होता है जी। सिंह राशि। सिंह राशि मतलब लायन, जिसमें अपार शक्ति होती है, दृढ़ निर्णय शक्ति होती है जी। और अग्रेसिवनेस बहुत होते हैं सिंह राशि वाले जी, जी। ठीक है। कन्या राशि बोलते हैं। कन्या राशि मतलब एक नाव में बैठी हुई स्त्री जिसके एक हाथ में अग्नि का पात्र है, दूसरे हाथ में जल का पात्र है जी। जिसका स्वभाव द्विस्वभाव होता है जी। जो एक चीज पे टिकी नहीं रहती, जहाँ पे अच्छा लगे वहां पे बैठना, ये इनका द्विस्वभाव रहता है जी। तुला राशि। तुला राशि उसके चिन्ह की तरह वो न्याय और सत्य के प्रिय रहते हैं, तुला राशि। वृश्चिक राशि वो बहुत ही जहरीले इंसान, कभी कभी जहर होते हैं। मैं आपके सामने बैठी हूँ आपके बारे में तो बोल ही नहीं सकते हम, लेकिन ये वृश्चिक राशि वाले किसी भी बात का बुरा मान जाए तो उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं और उसका डंख जो होता है बिच्छू की तरह जहरीला होता है ठीक है। धनु राशि जो अग्रेसिवनेस में होते हैं, इमोशनली तो होते ही लेकिन अग्रेसिव बहुत होते हैं जी। मकर राशि। मकर राशि वाले पानी में रह के मगर से बैर, ये इनका स्वभाव है। इनके साथ में कभी भी कुछ भी गलत करेंगे वो दिल में रखेंगे, समय आने पे आपको ऐसे वो पछाड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पानी में रह के मगर के साथ बैर नहीं कर सकते। कुंभ राशि। कुंभ राशि एक घड़े के अंदर क्या रहस्य है वो आप कभी नहीं जान पाओगे। कुंभ राशि वाले के सोच में, उनके पेट में क्या चल रहा है वो आप सोचना, वो आपको जानना या उनको समझना बहुत ही कठिन रहता है जी, जी। और मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत ही पलटू होते हैं, बार बार उनकी बातों में नई नई बात आ जाती है, अपनी बात पे टिकते नहीं है। जो उनका चिन्ह है दो मछली, दोनों की पूंछ एक दूसरे के मुंह में है, ये एक दूसरे के मुंह में उनकी, तो ये उनका स्वभाव है कि वो अपनी बात पे टिकते नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, ये स्वभाव है। 12 राशि को कल पिछली बार काल पुरुष दिखा था, आज काल पुरुष के हिसाब से उनका स्वभाव थोड़ा बहुत देख लिया जी। तो आज हमने सिखाया 12 राशियों का जो स्वभाव होता है उनके बारे में आज गुरु जी ने सिखाया। नेक्स्ट एपिसोड में वापस कुछ अलग आपको सिखाएंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो जरूर हमारा ये हर सैटरडे का एस्ट्रोलॉजी सीरीज का एपिसोड देखिए और नोटपैड लेके आपको साथ में बैठना है और सीखना है। और साथ में ज़रूर आप कुछ भी क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं गुरुजी से लाइव, ये कुंडली जन्माक्षर का प्रेडिक्शन हम यहाँ से करते हैं लाइव शो में, तो ज़रूर से हमें सैटरडे से पहले आपको क्वेश्चंस और आपकी पूरी डिटेल्स जो भेजनी है वो हमें जल्द से जल्द भेज दीजिए ताकि इस एपिसोड में, हर एपिसोड में आपका नाम और डिटेल्स आपकी हम दें और आपके बारे में हम बताएं। और अगर आप ये सब जो गुरुजी कहते हैं उनके बारे में ध्यान देके, उनके बारे में ऑब्जर्व करके वो जो कहते हैं वो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक, गुरुजी बताया है कि जितने भी लोगों ने अभी तक काफ़ी 50 से 100 लोगों के ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। वो पर्सनली मुझे बताते हैं फ़ोन करके, बट मैं चाहती हूँ कि पर्सनली नहीं, आप हमारे जो फीडबैक में आप बताएंगे, जो कमेंट्स बॉक्स में अगर आप आपका जो फीडबैक है वो बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शक भी उसे देख सकते हैं। तो गुरुजी हम यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं और हम विदा लेते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे जी गुरुजी, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है ये बेसिक है जी। बेसिक अगर आपका पावरफुल होगा तो एस्ट्रोलॉजी में आप ऐसे चलेंगे जो बिलीव नहीं कर पाओगे जी। हमने आगे भी बोला था एस्ट्रोलॉजी की एक स्कैनर है जी। आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन उसके लिए उसका बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये जो अभी चल रहा है वही बेसिक का पीरियड चल रहा है। अगर बेसिक आपका सही रहेगा तो आगे मालिक की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ध्यान दें, बेसिक को एकदम सही करें तो आगे का आप बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं जी। हमारे साथ जो थे वो किरण ठक्कर जी, उनको बापा के नाम से जानते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी प्रख्यात है और वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है। सो गुरुजी हम विदा लेते हैं इस कार्यक्रम से और नेक्स्ट सैटरडे को हम वापस इसी समय मिले। तब तक के लिए नमस्कार और जय गणेश। जय गणेश। ढेर सारी प्रार्थना आपके लिए जी।